अराउंड 5 से 6 लाख रुपए का कैमरा उसका चला गया, मतलब उसके आंख के सामने से उसका 5-6 लाख का कैमरा चला गया। सुबह के बज रहे हैं 9 और अब जाके थोड़ा रेडी होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं। बहुत टाइम बाद ये शर्ट पहना जा रहा है तो पूरा ख़राब हो गया था, तो उसको आयरन करना पड़ेगा और आयरन करके पहना जाएगा। ये हो चुके हैं अपन रेडी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस विल बी डूइंग ग्रेट। और ऐसा कि अभी सुबह उठ के अपन रेडी हो चुके हैं बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि आज अपना कॉलेज है और कॉलेज का मतलब है कि दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी का सीन है। क्लास ख़त्म हो चुका है, ऐसा मत सोचना कि फिर से क्लास ज्वाइन हो रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब कोर्स ख़त्म होने के बाद ना पोर्टफोलियो का क्लासेस होता है जिसमें बताया जाता है पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, पैसा कैसे कमाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे को भी अभी कुछ ढंग से आइडिया नहीं है पोर्टफोलियो क्लास में क्या होता है, बट अभी जा के देखते हैं क्या होगा। अगर कुछ अच्छा हुआ तो सही है, कुछ नहीं हुआ तो भी सही है। लगभग 4 से 5 दिन का क्लास है बस, वो फिर ख़त्म, उसके बाद अपना सब क्लियर, उसके बाद फिर बस यही है, काम तो हो ही रहा है। और अभी भी कुछ काम नहीं था तो सोचे कि हो लेते हैं, मतलब 4-5 दिन का ही तो बात है और फीस भी दिलाया है भाई, इतना पैसा तो जाना को बनता है, क्लास तो छोड़ना नहीं है। सो चलते हैं डीकॉप और डीकॉप चल के देखते हैं। गाइस, तो अभी अपन पहुंच चुके हैं GTB नगर और टाइमिंग 11:30 बजे का था, बट थोड़ा लेट हो गया पहुंचने में, क्योंकि वो ई रिक्शा वाले जो था वो अपने किसी से लड़ाई करने लगा, मतलब एक अपने कस्टमर से 500 का नोट था तो उससे लड़ने लगा, तो उसी के कारण लेट हो गया। बट टाइम पे पहुंच गए हैं, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, 2-4 मिनट ही लेट हुए हैं। और अब यहाँ से जल्दी जल्दी कॉलेज चलते हैं और देखते हैं क्या सीन होता है। अबे तू किधर है, नया बैठा है बाहर में, अपना बंदा लोग मिल गया, हम यहाँ पर रहते हैं, तुम निकलो क्लास, ठीक है? मैं नहीं जा रहा क्लास, मेरा बंदा लोग यहीं पर है। तो गाइस अभी अपना बैचमेट लोग मिल चुका है और यहाँ का सीन अभी कुछ समझ में आ रहा है। बंदा लोग अपना खुद का बिजनेस नीचे चलता है, जो भी है यार, जैसा भी है, आने के बाद थोड़ा खुशी टाइप का मिलता है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। अभी गुरुजी पढ़ाते हुए भाई साहब ये सब देख रहा है, पूरा चेंज हो गया। अच्छा तो एक साल बाद एंट्री करे तूने यहाँ पे, एक साल बाद चालान कट जाएगा तेरा। हाउ यू फीलिंग? अच्छा चालान कटता है यहाँ पे, चालान भी कटता है यहाँ। 2000 रुपए का, 2000 रुपए का सही होगा, 2000 रुपए का कट रहा है नहीं भाई, बता दे। ऐसे मत सोचना काम नहीं मिल रहा, कुछ और करके देखते हैं। फोटोग्राफी तो कर ली अपने, 6 मिनट ट्राई किया, अभी तक कोई अच्छा ऑफर नहीं मिला, फ्री में काम करना नहीं मैंने, इस सोच के साथ मत चलना। इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर इतने रिजिड मत होना कि मैं फ्री में काम नहीं करूंगा या मैं कम पैसों में काम नहीं करूंगा, मेरे पास फुल फ्रेम कैमरा है, मेरे पास 5 लाख की किट है। इसका हाल बहुत बुरा हो गया, इसे कांच खून निकल रहा है, इसके घर से निकल रहा है, आज खून निकल रहा है, इतना ज्यादा मतलब सुन लिया वो आज कि उसका कान से बहुत ज्यादा खून निकल रही थी, मास्क भी नहीं उतार रहा, मास्क ना साले आगे से आगे चल, एक बार उधर ऊपर चलेगा क्या, ऊपर क्या स्टूडियो शायद चेंज हुआ है। ये अपना अड्डा, एक साल यहीं बीता है चाय पी के, बहुत सही। हाँ मतलब अपन तो बस चाय पीते थे, बाकी तुम लोग पीता था हंसी का मारा। एक्सपोज कोरोना टेस्ट किया भाई? टेस्ट कर ले भाई, भाई टेस्ट कर ले यार, पॉजिटिव है इसका, टेस्ट कर, पॉजिटिव पॉजिटिव। प्लीज वेयर मास्क। व्लॉगिंग बना रहा है क्या? ये सारा बदल चुका है डिज़ाइन और ये रहा अपना सेलिब्रिटी ब्लॉगर, बड़े बड़े लोग के साथ ब्लॉगिंग करता है। ओके गाइस, सो अभी बज रहे हैं 9:16 और हम लोग आ गए थे शाम में, करीब हम लोग आ गए थे 11:30 बजे से चला था ना क्लास, 11:30 बजे से 2:30-3 बजे तक का क्लास चला था, उसके बाद हम लोग आ गए। मेरा हेड बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था क्योंकि सुबह कुछ खा के नहीं गए थे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आना था जो हम लोग को, जो ये है कि
जो फोटोग्राफर का जो स्कैम होता है उसके बारे में। सो लास्ट अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंड था, उसको एक कॉल आया एक शूट के लिए, तो उसका कॉल उठाया तो वो बोला फैशन डिज़ाइनर का शूट है, उसको जयपुर जाना है शूट करने के लिए, टीम के साथ जाना है, 75,000 रुपीज़ अब एक वीक का मिलेगा उसको। बोला ठीक है, तो फिर वो उसको बोला कि आके एक बार मीटिंग कर लेते। वो सारा मीटिंग कर लिया, और उसको मीटिंग करने के बाद फिर जब वो एडवांस का बात किया तो वो बोला जब हम लोग निकलेंगे तो एडवांस कर देंगे। और फिर वो बोला साथ में और भी 2-3 बंदा है टीम में, वो सबसे भी मिल लेना जाने टाइम। तो वो बोला ठीक है। फिर वो बोला तुम कैमरा कौन सा यूज़ करते हो, तो बोला सोनी का करते हैं। तो वो बोला और 1-2 कैमरा रेंट कर लो, हम लोग को हाई रेजोल्यूशन कैमरा चाहिए क्योंकि शूट करना है। तो वो बोला ठीक है कर लेंगे। वो बोला रेंट दे देंगे, तो बोला ठीक है। वो रेंट कर लिया, उसके बाद निकलने वाले टाइम पे वो जब आया तो वो बोला एडवांस का क्या हुआ, तो वो बोला निकलते टाइम रास्ते में चलो दे देंगे। तो वो बोला ठीक है। उसके बाद वो लोग निकला, उसके बाद फिर वो निकलने के पहले भी वो पूछा कि बाकी का जो 2-3 बंदा है वो कहाँ है। तो वो बोला कि वो लोग निकल चुका है, हम लोग रास्ते में चल लेंगे, वहाँ जाके कॉपअप कर लेंगे, मिल लेंगे। तो वो लोग बोला ठीक, वो बोला ठीक है। फिर मेरा दोस्त बैठ के निकले, मेरा बहुत ही जिगरी खास दोस्त है वो, उसके साथ ही इंसिडेंट हुआ है। सो वो बोला ठीक है। फिर निकला, फिर वो लोग आधा 1 घंटा के बाद कहीं रास्ते में खाने के लिए रुका, खाने के लिए वो लोग जैसे ही रुका वो खाना खा रहा था, तो वो जो लड़का था वो बोला तुम 5 मिनट रुको, हम सिगरेट पी के आते हैं। और वो बाहर गया, और जैसे ही वो 5-10 मिनट बाद देखा बाहर जाके, तो देखा ना गाड़ी है ना कैमरा है ना वो जो साथ में था वो है। सो वो गाड़ी में ही कैमरा छोड़ दिया था, और सबसे बड़ा गलती किया वो कैमरा छोड़ के। और वो जैसे ही कैमरा छोड़ा वो निकला और गाड़ी लेके निकल लिया। फिर वो पुलिस को भी कॉल किया, और ये सब भी बहुत सारा लफड़ा हुआ। सो ये स्कैम हुआ है अभी जस्ट अराउंड 1 महीना हुआ होगा ना, 1 महीना पहले हुआ है। और मेरे को लगा बता देना चाहिए कि जितने भी फोटोग्राफर लोग हैं उन लोग स्कैम में फंस ना जाए इसलिए। सो आई थॉट कि ये वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि जितने भी फोटोग्राफर दिल्ली में रहते हैं वो लोग ये सब स्कैम में नहीं फंसे, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा स्कैम होता है दिल्ली में फोटोग्राफर लोग को लेके। मेरे पास बहुत सारा न्यूज़ आता है इस टाइप का। सो फिर वो मतलब एक तो वो खुद का उसका कैमरा नहीं था, ऊपर से अराउंड उसके बाद एक 5D Mark IV और एक A7R III अराउंड 5-6 लाख रुपये का कैमरा उसका चला गया, मतलब उसके आँख के सामने से उसका 5-6 लाख का कैमरा चला गया। सो समझ में ही आ रहा होगा कैसा फील हो रहा होगा, कितने मतलब कितना मुश्किल से वो गुजर रहा होगा। और वो सबसे बड़ा गलती तो कैमरा बैग को गाड़ी में छोड़ कर ही किया, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए अगर किसी अननोन के साथ जा रहे हैं। और मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि हमेशा जब भी किसी के साथ काम करो तो उसके कंपनी के बारे में जान लो, चेक कर लो, उससे अच्छे से मीटिंग कर लो, उसके टीम के बारे में जान लो, उसका वेबसाइट चेक कर लो, बिना ये सब किए नहीं करना चाहिए। तो बस यही मेरे को बताना था कि ऐसा ऐसा सीन हो गया और उसका 5-6 लाख, 7 लाख का नुकसान हो चुका है। सो अब किसी और के साथ नहीं हो तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, और अलर्ट रह के काम करना, यहाँ तो स्कैम्स होते ही रहता है। और उस बेचारे का भी अभी अब तक कुछ नहीं हुआ, वो बोला पैसा भर रहे हैं, अब क्या ही कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। सो यही मेरे को बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जब कहीं घूमने जाएंगे। टिल देन पीस आउट। बैठ बोल के दिखा, नहीं थोड़ा थोड़ा सेट के बैठ। रिंग लाइट बंद है, रिंग लाइट चालू। वाह भाई साहब, राम राम। अरे रुक जा मेरे भाई, लाइटिंग चल रही है, लाइटिंग है। बस सीधा बैठना गधा साला, सीधा कैमरा में देख, कुछ कुछ बोलते रह। राम राम सा, हमारा राम रिचार्ज कर देगा, हम अपने चैनल पे अपलोड कर लेंगे, हम भी चैनल बना लेंगे। तो खूब तो मज़ा नहीं आएगा इन लाइटों से। बस ये ठीक है, अब फिल्टर लगाते हैं। तो भाई ये रहा अपना सेटअप ब्लॉग बनाने का, मतलब जब भी हम लोग ऐसे जब अंदर कुछ बात बात करेंगे फेस टू फेस तो ऐसा ब्लॉगिंग सेटअप बना रहे हैं। अब होगा ब्लॉग ढंग का, थोड़ा 4K में ब्लॉग का शुरुआत, और अब आएगा मज़ा, है कि नहीं। अब कहीं दिल्ली में कहीं घूमेंगे तो अब ब्लॉग करने में मज़ा आएगा।